दुनिया की 10 सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स, टॉप 10 एलीट स्पेशल फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड। सन 67 के जमाने के बंदूक हाथ में लेकर मुंह से ठाए ठाए करते दरोगा जी को देखकर खुद को सेफ फील करने के बजाय हमें उन्हीं की फिक्र होने लगती है। ये तो सिर्फ यूपी पुलिस की एक तस्वीर है, लेकिन दुनिया भर के पुलिस को आए दिन ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है जब बंदूक से निकलने वाली ठाए ठाए भी उनकी मदद नहीं कर पाती है और उन्हें अपने हथियार डालने पड़ते हैं। और फिर ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए एंट्री होती है स्पेशल फोर्सेस की। स्पेशल फोर्सेस के जवान इतने जाबाज और खतरनाक होते हैं कि इनकी मौजूदगी में एक परिंदा भी बिना इजाजत पर नहीं मार सकता। तमाम तरह के आधुनिक हथियारों से लैस इस फोर्स के जवान हर तरह के सिचुएशंस में लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में हम दुनिया के ऐसे ही 10 सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस के बारे में जानते हैं जिनके सामने गुनहगारों को पानी मांगने का भी मौका नहीं मिलता है। नंबर 10, स्पेशल टास्क फोर्स श्रीलंका। श्रीलंका के स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ का गठन 1983 में तमिल टाइगर से लड़ने और विद्रोहियों को खत्म करने के मकसद से किया गया था। ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड पुलिस यूनिट है जिसके सामने मिलिट्री फोर्स भी कमतर है। एसटीएफ में लगभग 8000 जवान शामिल हैं, जिनमें अधिकतर जवानों की तैनाती श्रीलंका के ईस्टर्न प्रोविंस में की गई है। अपने मिशन में 100% कामयाब रहने वाले एसटीएफ के जवान दूसरे देशों के पुलिस को भी ट्रेनिंग देते हैं। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान किसी भी संभावित आतंकवादी हमले को रोकने के लिए एसटीएफ के ऑफिसर्स ने चाइनीज अथॉरिटी की मदद की थी। एसटीएफ के जवान अपने साथ असॉल्ट राइफल्स, हैंडगन्स, सब मशीन गन्स, मोर्टार्स, मशीन गन्स, रॉकेट लॉन्चर्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स और मिसाइल लॉन्चर्स जैसे आधुनिक हथियार लेकर चलते हैं। नंबर 9, ग्रुपो एस्पेशियल दे ऑपरेशंस स्पेन। 1970 के दशक में जब स्पेन में टेररिज्म अपने चरम पर पहुंच चुका था, तब इसको खत्म करने के लिए ग्रुपो एस्पेशियल दे ऑपरेशंस या जियो की स्थापना की गई थी। टेररिज्म के खात्मे के अलावा जियो वीआईपी प्रोटेक्शन ड्यूटीज, एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग्स, समुद्री खतरे और बंधकों को अपराधियों के हाथ से छुड़ाने की जिम्मेदारी भी निभाता है। जियो का सिलेक्शन प्रोसेस काफी टफ है। इस फोर्स में शामिल होने के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कम से कम पिछले 2 सालों से स्पेनिश पुलिस में हो। इसके अलावा मार्शल आर्ट्स, स्क्यूबा डाइविंग, मार्क्समैनशिप इंस्ट्रक्टर या एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट, इन चारों में से कोई एक स्किल होना भी जरूरी है। जियो में शामिल होने के लिए जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं उनमें से मात्र 3% को ही कामयाबी मिल पाती है। जियो के जवान असॉल्ट राइफल्स, स्नाइपर राइफल्स, सब मशीन गन्स और इलेक्ट्रोशॉक वेपन्स जैसे हथियार अपने पास रखते हैं। नंबर 8, फ्रेंच पुलिस नेशनल रेड फ्रांस। फ्रेंच पुलिस की एलीट टैक्टिकल यूनिट कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस यूनिट में सिर्फ 450 एक्टिव मेंबर्स ही हैं। इन 450 एक्टिव मेंबर्स को अलग अलग सेक्शन में बांटा जाता है। सभी सेक्शन में मैक्सिमम 60 मेंबर्स होते हैं और ये 60 जवान ही मिलकर आतंकवादियों और अपराधियों की बैंड बजा सकते हैं। रेड नाम से मशहूर ये स्पेशल फोर्स की स्थापना 1985 में की गई थी। काउंटर टेररिज्म, प्रोटेक्शन ऑफ वीआईपीस, होस्टेज रिकवरी एंड डेंजरस या हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी जैसे कामों में रेड की मदद मिल जाती है। रेड दूसरे देशों के पुलिस फोर्स को ट्रेनिंग भी देता है। रेड के जवानों का यूनिफॉर्म कंप्लीट ब्लैक होता है। ये हमेशा आर्मर्ड व्हीकल्स में सफर करते हैं और इनके पास लगभग सभी तरह के आधुनिक हथियार होते हैं। नंबर 7, ग्रुपो दे ऑपरेशंस एस्पेशियल्स मेक्सिको। मेक्सिको यानी एक ऐसा देश जहाँ के हर गली मोहल्ले में गैंग्स ऑफ वासीपुर और मिर्जापुर का हर कैरेक्टर बसता है। गैंग वॉर, ड्रग्स ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज क्राइम दशकों से इस देश के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ है। इसी मुसीबत को खत्म करने के लिए ग्रुपो दे ऑपरेशंस एस्पेशियल्स या गुप्स नाम के इस स्पेशल फोर्स की स्थापना की गई है। गुप्स के मेंबर्स को कई देशों के एलीट स्पेशल फोर्स से ट्रेनिंग मिलती है जिसमें स्पेनिश जियो, कोलंबियन अफ्योर, फ्रेंच रेड और यूनाइटेड स्टेट्स फैम्स शामिल है। इसके अलावा मेक्सिकन नेवी से भी इन्हें ट्रेनिंग मिलती है। कई अलग अलग एलीट स्पेशल फोर्स के द्वारा ट्रेनिंग हासिल करने की वजह से गुप्स के जवान हर तरह से सिचुएशन को कंट्रोल करने में महारत हासिल कर चुके हैं। इनके पास असॉल्ट राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर, मशीन गन्स, एसएमजी, शॉटगन्स और पिस्टल्स जैसे हथियार शामिल होते हैं। नंबर 6, यमाम ऑफ इसराइल। 1974 में मैलॉट मैसेकेयर के समय आतंकवादियों ने 21 स्कूली बच्चों की हत्या कर दी थी। इस घटना से सबक लेते हुए इसराइल ने काउंटर टेररिज्म यूनिट यमाम की स्थापना की। यमाम की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बंधक बनाए हुए लोगों को रेस्क्यू करना है।
इसके अलावा इस फोर्स के जवान आतंकवादियों को खत्म करने की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। इस टास्क फोर्स में लगभग 200 मेंबर्स होते हैं। यमाम में शामिल होने के लिए वैसे लोग ही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इजरायली डिफेंस फोर्स में 3 साल का इन्फेंट्री सर्विस कम्प्लीट कर लिया हो। सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान एप्लीकेंट्स को हेल वीक से गुजरना होता है, जिसे दुनिया का सबसे मुश्किल टेस्ट माना जाता है। सिलेक्शन कम्प्लीट होने के बाद कैंडिडेट्स को 6 महीने तक कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। यमाम के पास पिस्टल्स, सब मशीन गन्स, शॉटगन्स और असॉल्ट राइफल्स जैसे हथियार होते हैं। यमाम के ज्यादातर मिशंस को सीक्रेट ही रखा जाता है। नंबर 5, बोप ऑफ ब्राजील। बोप ऑफ ब्राजील कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि टास्क फोर्स डेथ स्क्वाड के नाम से मशहूर हो चुका है। बोप की स्थापना 1978 में की गई थी। बोप का मेन मिशन ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना, हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करना, गैंग्स को खत्म करना और बंधक बनाए हुए लोगों को छुड़ाना है। बोप के जवान डेंजरस क्रिमिनल्स को ऑन द स्पॉट गोली मारने के लिए जाने जाते हैं। बोप में शामिल होने के लिए काफी टफ ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। ट्रेनिंग के दौरान सबसे मुश्किल टेस्ट यह होता है कि कैंडिडेट्स को 3 दिनों तक बिना खाने के सिर्फ पानी पीकर लगातार जागते रहना है। यदि इन 3 दिनों में किसी को भी हल्की सी भी नींद आ गई तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। बोप के जवान अपने साथ लगभग सभी तरह के हैवी हथियार लेकर चलते हैं। नंबर 4, जंगल ऑफ कोलंबिया। कोलंबिया ऐसा देश है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस देश की सड़कों पर ड्रग डीलर्स की हुकूमत चलती है और लोगों की सुरक्षा के लिए लगाए गए पुलिसकर्मी खुद खौफ के साए में रहते हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग और वायलेंट ड्रग वॉर दशकों से इस देश की सबसे बड़ी समस्या रही है। इस समस्या को खत्म करने के लिए ही जंगल ऑफ कोलंबिया नाम के इस स्पेशल टास्क फोर्स की स्थापना की गई है। ये टास्क फोर्स ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के साथ ही देश में क्राइम्स को खत्म करने की दिशा में भी काम करता है। जंगला के मेंबर्स को अमेरिका के द्वारा ट्रेनिंग और हथियार उपलब्ध कराए जाते हैं। नंबर 3, स्वॉट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स यानी स्वॉट की स्थापना 1960 के आसपास दंगा नियंत्रण टीम के रूप में की गई थी। धीरे धीरे इस टास्क फोर्स की जिम्मेदारी बढ़ती गई। 1980 से 1990 के बीच वॉर ऑन ड्रग्स मिशन के दौरान ड्रग्स की समस्या को खत्म करने के लिए स्वॉट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 9/11 अटैक के बाद टेररिज्म की रोकथाम में भी इसका उपयोग किया जाने लगा। स्वॉट के मेंबर्स की संख्या हजारों में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में हर साल लगभग 50,000 बार स्वॉट टीम की जरूरत पड़ती है। इनमें से ज्यादातर मामले नारकोटिक्स के होते हैं। किसी भी हाई रिस्क सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए स्वॉट टीम की मदद ली जाती है। स्वॉट टीम सब मशीन गन्स, कार्बाइन्स, असॉल्ट राइफल्स, शॉटगन्स, टियर गैस ग्रेनेड्स और स्नाइपर राइफल्स जैसे हथियारों का इस्तेमाल करती है। नंबर 2, मार्कोस इंडिया। मरीन कमांडो फोर्स यानी मार्कोस इंडियन नेवी का स्पेशल फोर्स यूनिट है जिसकी जिम्मेदारी स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम तक पहुंचाना होता है। मार्कोस जमीन पर, ऊंचे पहाड़ों पर, हवा में और पानी में हर जगह पर दुश्मन से युद्ध लड़ सकता है। यूएस नेवी सील्स के बाद पूरी दुनिया में सिर्फ मार्कोस ही ऐसा स्पेशल फोर्स है जो सभी तरह के हथियारों के साथ पानी में भी युद्ध लड़ सकता है। मार्कोस की स्थापना 1987 में की गई है। मार्कोस में शामिल होने वाले जवानों का सिलेक्शन इंडियन नेवी से किया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस काफी टफ होता है। इसमें कामयाब होने के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 2 साल तक टफेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरना पड़ता है। काउंटर टेररिज्म, होस्टेज रेस्क्यू, डायरेक्ट एक्शन समेत सभी तरह के हाई रिस्क सिचुएशंस में मार्कोस की मदद ली जाती है। मार्कोस के जवान अपने साथ असॉल्ट राइफल, अंडरवाटर असॉल्ट राइफल, मशीन गन, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, एंटी टैंक वेपन समेत कई तरह के आधुनिक हथियार रखते हैं। नंबर 1, एको कोब्रा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के एको कोब्रा पुलिस टैक्टिकल यूनिट को दुनिया का सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स माना जाता है। एको कोब्रा ने एनुअल वॉरियर कंपटीशन में दुनिया के 37 एलीट स्पेशल फोर्सेस को पीछे छोड़ते हुए इस कंपटीशन में टॉप प्राइज हासिल किया था। एको कोब्रा के सदस्यों की संख्या सिर्फ 450 है। एको कोब्रा का मेन मिशन काउंटर टेररिज्म, होस्टेज रेस्क्यू और लॉ एनफोर्समेंट है। टफ सिलेक्शन प्रोसेस में पास होने के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 6 महीने तक चलने वाले टफेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरना पड़ता है। एको कोब्रा के जवान असॉल्ट राइफल, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स, मशीन पिस्टल्स, सब मशीन गन्स, एंटी मटेरियल राइफल, सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन और ग्रेनेड लॉन्चर जैसे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आपके अनुसार इनमें से कौन सा स्पेशल फोर्स सबसे खतरनाक है कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।